हेलो एवरीवन, मैं हूं नाज एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आई हूं खान ऑमलेट वालों के यहां पर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर ऐसी सर्दी में आपको अंडा खाने की, ऑमलेट खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आपके लिए बेस्ट पहले से ही खान ऑमलेट। तो चलिए इनसे मिलते हैं कि किस तरह के अंडे बनाते हैं, कौन कौन से ऑमलेट इनके पास में होते हैं और ये किस तरह ऑमलेट बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमूल का मक्खन यूज करते हैं। ये देखें इधर अभी बन रहा है। ये देखें, ये कौन सा अंडा बन रहा है अभी? अच्छा, देसी में चीज सैंडविच बन रहा है। ये देख, तो इनकी जो प्लेटें हैं उन पर भी इनके नाम का ही लोगो है, खान ऑमलेट। ये जो पैकिंग करते हैं उसके डब्बे पे भी आपको यही मिलेगा, खान ऑमलेट। ये देखिए, तो अभी सर जी फ्री हैं, थोड़ा टाइम के लिए इनसे बात करते हैं। तो सर, मैं ये देख रही हूँ कि अभी मैं इस टाइम पर मैंने किसी को स्टोव पे यूज करते हुए नहीं देखा है, तो आप स्टोव पे यूज क्यों करते हैं? गैस पे सिकाई नहीं हो पाती है, स्टोव पे सिकाई अच्छी होती है। अच्छा, मतलब इसके जो गैस की जो फ्लेम होती है वो स्टोव के मुकाबले कम होती है, यही है ना? अब आप बताइए कौन कौन सा ऑमलेट होता है अपने पास? हमारे पास है हाफ फ्राई है, चीज सैंडविच है, खानी पेशल है, बॉयल भुजी है, चीज कुलचा है। कम से कम 50 वैरायटी है। कम से कम 50 वैरायटी। कितनी पुरानी शॉप है अपनी? 52 साल, 52 ईयर। इसी जगह पर, यहीं पर लगाते हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? चीज सैंडविच और खानी स्पेशल। खानी स्पेशल, तो खानी स्पेशल लगाइए एक बढ़िया सा। तो अभी लगना स्टार्ट हो गया हमारे लिए खानी स्पेशल ऑमलेट। तो किस तरह से इसकी मेकिंग करते हैं ये भी एक इंटरेस्टेड बात है देखने वाली। ये देखिए कितने अंडे जाते हैं इसमें? चार अंडे का। ठीक है, तो ये देखिए दो अंडे को इन्होंने ये मैश किया गया है, दो अंडे इन्होंने मैश किए हैं और दो अंडे ये हाफ फ्राई करेंगे शायद। ये देख, तो ये देखिए ये गैस के अंदर अमूल बटर। ये देखिए दो अंडे की बनेगी, सबसे पहले हाफ फ्राई। ये गया एक अंडा और ये गया दूसरा अंडा। ये देखें, ये मिर्चे मसाले इनके, जो भी इनके सीक्रेट मसाले होते हैं, ये के प्याज, हरी मिर्चे, हरा धनिया, टमाटर, अदरक और ये गया पनीर। तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है इसके अंदर, आपको पनीर भी मिलेगा, बटर भी मिलेगा, क्रीम भी मिलेगी और अंडे तो है ही। तो ये एक हैवी डाइट है ये मेरे हिसाब से। तो ये हो गया ये हाफ फ्राई। ये देखिए गजब शानदार। अभी और मक्खन डलेगा, डबल मक्खन। इसलिए पूरा इसके मक्खन की पूरी टिक्की गई है इसके अंदर, 75 ग्राम मक्खन। ओहो, एक ऑमलेट में 75 ग्राम मक्खन जाता है इसके अंदर। ये देखिए तो जो मसाले हाफ फ्राई में थे वही मसाले फिर से इसमें डाल दिए गए हैं। और ये दो अंडे बोले मैश कर रहे हैं। हाँ, दो अंडे ये मैश किए हुए हैं, जो अभी ग्राइंड किए हैं। ये देखिए ये बॉइल्ड है और वो हाफ फ्राई बनकर उधर रखा हुआ है। और इसके अंदर जाएगा अमूल चीज स्लाइस, फुल लोडेड ऑमलेट। मुझे नहीं लगता कि फुल फैट मुझे नहीं लगता कि इससे हैवी ऑमलेट कोई और बेच सकता है। अच्छी चीज तो यही है कि यहाँ पर हर चीज ओरिजिनल है, आपको अमूल की ही सारी चीजें मिलेंगी। तो अभी अमूल की क्रीम की कमी दिख रही है मुझे, हो सकता है वो भी ऊपर डलेगी। वेरी गुड।
ये देखिए, ये क्या इनका कोई सीक्रेट मसाला? ये देखिए, ये गया पूरा, ये दो अंडे का है। ये देखिए, इसको क्या नाम दे सकते हैं, क्या चीज है? खान स्पेशल नाम है। नहीं, खान स्पेशल तो है ये, जो ऊपर से आपने ये बॉल अंडे की भुजी, इसको कहते हैं अलग से बॉल की। अच्छा अच्छा, बॉल अंडे की भुजी को हाफ फ्राई में डाला गया है और आ गए ऊपर से चार स्लाइस। और ये स्लाइस का काम इसलिए है कि बिल्कुल भी कोई भी फ्लेवर, सारे मसाले के फ्लेवर ब्रेड के अंदर आ गए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है ये खान स्पेशल ऑमलेट। और ये गई अमूल की क्रीम, सब चीज दिख रहा था, सिर्फ क्रीम ही नहीं दिख रही थी, वो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये है खान स्पेशल ऑमलेट, ये देखिए माशाल्लाह। देखकर बताइए जरा, कमेंट करके बताइए जरा कि कैसा लग रहा है ये आपको। तो सबसे पहले देखिए इसकी रंगत, देखिए जरा ऑमलेट की, ये देखिए। और अभी इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये सारे जो मसाले के फ्लेवर हैं वो सारे ब्रेड में आ गए हैं, ये देखिए। और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये कोई राइस नहीं है, कोई नूडल्स नहीं है, ये अंडा है। अंडे का ऐसी शक्ल, ऐसा फेस आपने पहली बार देखा होगा। ये देखिए कितना लोडेड है ये। बहुत शानदार। इसके अंदर मक्खन जो गया है वो 75 ग्राम मक्खन गया हुआ है। एक चीज की स्लाइस गई हुई है। क्रीम देखिए, अमूल की क्रीम है ये। तो आप इसके टेस्ट का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि क्या चीज है ये। बहुत ही शानदार है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दो लोग अगर इसको अगर खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके डिनर की भी नीड होगी, डिनर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। काफी हैवी लोडेड है ये और चार ब्रेड है साथ में। तो खैर मैं ये एंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो हमने ऑमलेट खा लिया है। बेसिकली इसको ऑमलेट कहना बेकार है, ये अपने आप में एक परफेक्ट मील है जिसको खाने के बाद आपको डिनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका एक खान स्पेशल ऑमलेट लें, अगर आप दो लोग हैं उसको खाएं तो आपको डिनर की कोई नीड नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और टेस्ट इसका ऐसा है कि बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, बहुत जायके वाला टेस्ट है। तो आप यहाँ पर आए, कोई भी ऑमलेट ऑर्डर करें, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है। बाकी इनका जो स्पेशल है वो तो कुछ स्पेशल ही है। तो खैर इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आदिल। आदिल साहब बताइए क्या लिया है आपने? हमने तो एक बॉइल्ड देख लिया था भुर्जी, बहुत बढ़िया थी। हम तो एक्चुअली कर्नाटक से है, तो इनका नाम सुन के आ गए थे यहाँ। अच्छा, कर्नाटक से हैं आप, तो यहाँ पर किसी काम से आए हुए हैं? काम से आए हुए थे, बिजनेस के सिलसिले में। तो अच्छा लगा, नाम भी सुना है यहाँ का, तो अच्छा लगता है कभी कभार। तो कैसा कैसा लगा आपको ये ऑमलेट? बढ़िया लगता है टेस्ट यहाँ। अगर आप दोबारा दिल्ली आएंगे तो खाना चाहेंगे इसको? जरूर 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 खाना चाहेंगे। चलिए सर, आप इंजॉय कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।